भैया 200 का डालना है, एक लीटर इसमें डाल दो, एक लीटर डालना और बाकी का उस वाली में, दूसरी बोतल में। इसमें एक लीटर डालो, बताएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, आज हम लोग जो है 1 लीटर टेस्ट करने जा रहे हैं अपनी ड्यूक में, ड्यूक 200 में। और अपनी बाइक जो हो चुकी है, आप जैसे जानते हैं, ये अबाउट 6 मंथ्स की हो चुकी है। और काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ कि मेरी बाइक कितना देती है। ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि बाइक देती कितना है। कहीं पर भी जाओ, पेट्रोल पम्प जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो लोगों का यही पहला सवाल होता है कि कितना देती है। तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो आज हम लोग के पास है 1 लीटर पेट्रोल, जो कि ताज़ा अभी भरवाया पेट्रोल पंप से। तो अभी बाइक में काफ़ी कम पेट्रोल था, मैंने अभी रिफ्यूल नहीं कराया था काफ़ी दिन से, मतलब कल परसों से बाइक में रिफ्यूल नहीं कराया इसी वजह से। तो अब देखते हैं कि अभी हम लोग आगे जा रहे हैं इधर, और जब पेट्रोल ख़त्म होगा तो हम लोग इसमें पेट्रोल डालेंगे बाइक में अपनी, और उसके बाद फिर देखते हैं कि अपनी बाइक 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर जाती है। साथी में टेस्ट भी हो जाएगा इसी के साथ में। तो देखिए, अब गाड़ी बाइक जो है अपनी लो फ्यूल बता रही है, लो फ्यूल लेवल लिख के आ रहा है। तो अब जहाँ पे भी इसमें पेट्रोल एंड होता है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे, और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि अपनी बाइक कितने किलोमीटर जाती है। वहीं पर जब हम लोग पेट्रोल डालेंगे तो ट्रिप ज़ीरो कर देंगे, उसके बाद देखते हैं कि बाइक कितने किलोमीटर जाती है 1 लीटर पेट्रोल में। हम लोग ऑलमोस्ट लो फ्यूल में भी 7 किलोमीटर जा चुके हैं और पेट्रोल ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो यहाँ से मुझे वो ऐड की याद आई जो काफ़ी बचपन में आता था कि पापा पेट्रोल ख़त्म ही नहीं होता, मारुति सुजुकी का जो ऐड आता था, तो वही याद आ रही है। तो प्लीज़ यार, जल्दी ख़त्म हो जाओ तो उसके बाद फिर टेस्ट किया जाए। तो गाइज़, आज का जो टेस्ट था गाइज़ डे 1, वो फेल हो गया। हम लोग का टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। हम लोग अप्रॉक्सीमेटली गाइस एक तरफ 25 किलोमीटर्स गए, 25 किलोमीटर्स आए। अभी जो गाड़ी का लो फ्यूल वाली ट्रिप बता रही है वो 49 किलोमीटर्स बता रही है। तो हम लोग की बाइक अभी तक पेट्रोल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि पेट्रोल 10-15 किलोमीटर्स में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने दोबारा अपना पेट्रोल डाला और टेस्ट कम्प्लीट हो नहीं पाया। तो इस टेस्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल डे 2 में। और मतलब एक चीज़ और देखने को ये समझ में आई कि जैसे आप जिसके पास भी ड्यूक है, तो ड्यूक या RC है, तो लो फ्यूल में आपकी बाइक जैसे लो फ्यूल लेवल लिख के आ जाता है, तो उसका मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर से आपकी बाइक उसमें चलती है। तो इसका मतलब 50 किलोमीटर का मतलब हुआ कि 1.5 लीटर पेट्रोल का रिज़र्व रहता है बाइक में। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी का जो ब्लॉग होगा वो डे 2 में आएगा, जो कि हम लोग कल अपना आगे का जो ब्लॉग है उसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन बाय। तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज अपना डे 2 है माइलेज टेस्ट का, जो कि कल पूरा नहीं हो पाया था। तो अब मैं फिर से निकला हूँ बाइक पे, तो देखते हैं कि अब पेट्रोल जब ख़त्म होता है तो फिर इसमें 1 लीटर पेट्रोल डालता हूँ, जो कि मैंने अपने बैग में रखा हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि बाइक अपनी 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है। मुझे लगता है अपनी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, क्योंकि झटका लेना स्टार्ट करती है। और अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 लीटर पेट्रोल। तो गाइस, अपनी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। आपने देखा, झटके ले रही थी बाइक, और इसलिए अब इसमें हम लोग डालेंगे 1 लीटर पेट्रोल। पेट्रोल कभी मत लगाइए, फकीर लोग हैं, मदद करो।
एक बात बता दूं, ये एक्सपर्ट बंदा पेट्रोल डालने वाला रोनी, ये बंदा जो है गिरा दिया, ये बंदा जो है गाइस बम बम बहुत बनाता है, इसलिए रखे रहता है तो हमेशा से दूर रहिए। गाइस अब हम लोग इसकी ट्रिप को कर देते हैं जीरो, और उसके बाद देखते हैं कि बाइक दोबारा बंद होने तक कितने किलोमीटर जब जाती है। ये हो गया ट्रिप जीरो, अगर आपको दिख रहा हो तो लेट्स डू इट गाइस। मैं कोशिश करूंगा कि बाइक जो है वो 90 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही रखूं, क्योंकि जो बेस्ट एवरेज आती है बाइक की इन सब बाइक से गाइस वो इसी स्पीड में आती है, और अगर मैं इसके ऊपर गया तो अपने को अच्छी एवरेज नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए मैं 90 से लेके 100 के बीच ही में रहूँगा। किलोमीटर्स डन एंड बाइक इज स्टिल रनिंग, तो देखते हैं कि इसके बाद बाइक और कितना कर पाती है। मेरे हिसाब से जो माइलेज आनी चाहिए बाइक की वो 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर आनी चाहिए, मे भी हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि हम लोग हाईवे पे हैं, तो लेट्स सी गाइस। तो गाइस 30 किलोमीटर्स डन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ट्रिप में, और अब बाइक में जो है थोड़ा पिकअप में कमी आ रही है, तो आई होप कि अभी 4 to 5 किलोमीटर्स और कंप्लीट कर लेगी बाइक, तो लेट्स सी गाइस कि कितना और कंप्लीट कर पाती है। सो गाइस पेट्रोल ख़त्म हो गया अपनी बाइक का, और मैं आपको बताता हूँ कि बाइक चली है 40.4 किलोमीटर्स, तो ये हाईवे की माइलेज है बाइक की 40.4 किलोमीटर्स अगर आप देख पा रहे हो, तो काफ़ी अच्छी एवरेज है उस हिसाब से, तो 200 सीसी बाइक की 40.4। तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर आपने जो वीडियोस में देखा होगा कि 32 से लेकर 35 तक बाइक एवरेज देती है, मगर ये हाईवे की माइलेज है, हाईवे क्योंकि बाइक कांस्टेंट चलती रहती है, आप टॉप गियर में चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो हम लोग की बाइक की एवरेज निकल के आई है वो 40.4 किलोमीटर्स।